वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। सुबह के बज रहे लगभग 4:40। गाड़ी पूरी तरीके से लोडेड है और अब समय है यहाँ से निकलने का। और मैं जा रहा हूँ अपने पहले सोलो ट्रिप, एडवेंचर ट्रिप पे स्पीति वैली। बाकी आज कहाँ तक पहुँचेंगे वो आपको अभी टाइटल में जो है दिख गया होगा। सो प्लान ये है कि हम लोग इस ट्रिप में कैंपिंग और ओवरलैंडिंग के लिए कोशिश करेंगे जहाँ भी फिजिबल होगा। एंड चलो चलते हैं। तो मैंने ऑर्डर किया है यहाँ पे आलू प्याज पराठा और आ भी गया है 5 मिनट के अंदर। करनाल में जो जाम लगा था उसकी वजह से लगभग ना 45 मिनट वेस्ट हुआ है। अब ऑलमोस्ट मेरा प्लान था कि 4 बजे तक पहुँच जाऊँ, पर देखते हैं लेट्स सी। तो अभी दोपहर के बज रहे हैं लगभग 1:30 और हम लोग अभी जस्ट शिमला पहुँचे हैं। अब क्योंकि हमें शिमला में रुकना नहीं है तो हम बाईपास लेंगे जो यहाँ से लेफ्ट की ओर रास्ता जा रहा है। ये जो सीधा रास्ता गया है उससे आप मॉल रोड वगैरह आप मेन शिमला में जाते हो, यहाँ से आप बाईपास लेके कुफरी, ठियोग, नारकंडा या उससे आगे आपको जहाँ भी जाना है तो वहाँ तक आप जा सकते हैं। भाई जब से पहाड़ों पर एंटर किया हो ना तब से एक भी मुझे दिल्ली की गाड़ी नहीं मिली। आज दिन मेरे ख्याल से क्या है, आज दिन है गुरुवार है आज, और एक भी दिल्ली की गाड़ी नहीं है। इट मीन्स मतलब दिल्ली की गाड़ियाँ जनरली वीकेंड्स पे ही शिमला वगैरह में मिलती है, तो दिल्ली की गाड़ी ना होने की वजह से ट्रैफिक जाम मुझे एक भी जगह नहीं लगा। हाँ कुछ जगह पे रोड कंस्ट्रक्शन की वजह से जो होता है वो नॉर्मल है, उससे कोई इशू नहीं है, पर कोई मेजर नहीं मिला जिसकी वजह से कि मैसिव लेट हो। देख रहे हैं कि कहीं ठीक ठाक सा कुछ मिल जाए खाने के लिए, क्योंकि भूख बहुत ज़बरदस्त लगी है। सुबह 8 बजे नाश्ता किया था मैंने, तो अभी लगभग 4-5 घंटे हो चुके हैं। भाई टाइम हो रहा है लगभग 3:30 और ये जो टाउन है, टाउन क्या छोटा सा जो कस्बा है, ये ठियोग है। शिमला से लगभग 2 घंटे की जो है डिस्टेंस पे है। नारकंडा भी मेरे ख्याल से 1 घंटा है गूगल मैप के हिसाब से, और हमें फिर वहाँ से हाथों पीक के लिए जाना है जो आधा घंटा मेरे ख्याल से और लगेगा। तो आप मान के चलो कि 1.5 से 1.5 घंटे के आसपास का सफ़र और बचा है हमारा। और भाई यहाँ पे तो बड़ा जाम लगा हुआ है काफ़ी देर से। एक्चुअली ये मार्केट एरिया है और ऊपर से भी मतलब अनएक्सपेक्टेडली बारिश हुई है अच्छी खासी। आप देख रहे हो जैसे रोड सारे गीले हैं, हल्की हल्की अभी भी हो रही है, हालांकि हो चुकी है बारिश। नारकंडा ऑलमोस्ट पहुंच गया। हाथू पीक का जो रूट है उसी पे हूं मैं। मेरे ख्याल से 2-3 किलोमीटर के बाद हमें एक लेक मिलेगा जहां मैं सोच रहा हूं कैंप करने का, क्योंकि हाथू पीक के ऊपर ठंड बहुत ज्यादा होगी इस टाइम पे, और अब एक तो बारिश हो गई है जिसकी वजह से टेम्परेचर और भी डाउन हो गया। सो हाथू पीक का रास्ता थोड़ा सा पतला है। नीचे जो रास्ता, दो रास्ते जाते हैं, नीचे की ओर जो रास्ता जाता है वो थानेदार की ओर जाता है। तो ये फाइनली हाथू पीक पहुंच गए। अभी कैंपिंग की लोकेशन फाइनल नहीं की है, एक नीचे कैंपिंग की लोकेशन दिखी है पर वहाँ पे मेरे अलावा और कोई भी नहीं है। तो एक बार देख रहा हूँ अगर ऊपर कोई ऑप्शन हो जहाँ पे आसपास में 1-2 कैंप लगे हों तो यहाँ पे करेंगे। अगर यहाँ पे ऑप्शन नहीं मिलेगा तो फिर नीचे जाना होगा। मेरे पीछे ठीक सनसेट हो रहा है, होने वाला है, तो मेरे पास अभी ज़्यादा टाइम नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 1/2 घंटे के अंदर मुझे ये कैंपिंग का फाइनल करना पड़ेगा। सो ये रहा आपका हाटू टेम्पल, और अभी हम लोग एक बार मंदिर के देखते हैं, मंदिर खुला भी है पता नहीं, मंदिर के दर्शन करके चेक करते हैं यहाँ पे कुछ रुकने के ऑप्शन है क्या नहीं है। मैं ऐसा लग रहा है शायद टेंपल बंद है अभी क्योंकि कोई भी नहीं है और बाहर से गेट भी लगा हुआ है, तो मैं ऊपर भी नहीं जा रहा हूँ। इसको मैं दोबारा कल मॉर्निंग में आ जाऊँगा। फिलहाल एक दूर एक गेस्ट हाउस टाइप का दिख रहा है, वहाँ एक बार जाके पता करता हूँ। अगर वहाँ कोई लोकेशन मिल जाए कैंपिंग के लिए तो इट विल बी ग्रेट, अगर नहीं मिलता है तो मुझे नीचे ही जाना पड़ेगा और टाइम ज़्यादा बचा है नहीं, तो जल्दी करना पड़ेगा। तो
भाई शाम के ऑलमोस्ट बज चुके हैं 6, मैं भी हूँ हाथों पीक पर। अब कैंपिंग यहीं किया जाएगा तो सेटअप करते हैं। आधा सामान लेके आ चुका हूँ, आधा एक बार और लेके आना पड़ेगा क्योंकि गाड़ी यहाँ तक आ नहीं पाई। चलिए सेटअप करते हैं। टेंट सेटअप हो गया अपना, अब बज रहे हैं लगभग 6:15। मैं जा रहा हूँ दूसरी एक पर और जाना पड़ेगा मुझे क्योंकि कुछ सामान गाड़ी में रह गया जो अभी लेके आना पड़ेगा। मज़े की बात है कि टेंट को तो मुझे ऐसे ही खाली छोड़ के जाना पड़ेगा क्योंकि देखने वाला, हालांकि कोई इंसान भी नहीं है तो उसकी दिक्कत नहीं है मुझे। एक केयर टेकर भैया है नीचे, थैंकफुली वो हैं, तो कुछ अगर ज़रूरत पड़ती है तो उनसे बात हो जाएगी। नेटवर्क यहाँ है नहीं, ये एक दिक्कत है। चलो भाई जल्दी चलते हैं, 10 मिनट में वो लाइट चली जाएगी, उससे पहले सब ताम झाम अपना रेडी करना पड़ेगा। सो भाई अभी शाम के बज रहे हैं 7, कैंपिंग का पूरा सेटअप हो चुका है, सारा सामान मैं लेके आ चुका हूँ और अब प्लान ये है कि अब खाना बनाना है। ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ी देर रेस्ट करके 8 बजे स्टार्ट करते हैं और बोनफायर नहीं कर पाएंगे। रीज़न है कि बारिश हुई है तो सारी लकड़ियाँ गीली है, कोई फ़ायदा नहीं है ढूंढने का, तो बोनफायर इस बार रहने देते हैं, कभी और करेंगे। मज़े की बात है कि इस हाथू पीक पे टॉप पे मैं अभी कैंपिंग कर रहा हूँ, मेरे अलावा कोई भी यहाँ पे कैंप नहीं कर रहा है, मैं अकेला हूँ। साथ में एक गेस्ट हाउस के केयर टेकर है, उनसे पूछ के मैंने किया था तो कोई इशू नहीं है। ओके गाइस, तो अब रात के बज चुके हैं 8 और मैं सोच रहा हूँ सोयाबीन की तहरी बना देते हैं चावल के साथ, टाइम भी कम लगेगा और जल्दी बन भी जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं सोयाबीन को पहले उबाल लेता हूँ। अच्छा, मैं ये खाना का जो प्रोग्राम है मैं अंदर ही बना रहा हूँ, उसका रीज़न एक ये भी है कि बाहर हवा काफ़ी चल रही है और ठंड भी बहुत ज़्यादा है, तो मेरी हिम्मत नहीं हो रही बाहर बैठने की। तो थोड़ा सा ये ध्यान देना है कि आग है यहाँ पे, तो थोड़ा संभल के बनाना पड़ेगा। सोयाबीन गर्म हो गया, अब प्याज छील लेते हैं, छील के काट लेते हैं। गाइस, रात के बजे हैं लगभग 10 और हमारा डिनर कुछ इस तरह से तैयार हो चुका है, आलू सोयाबीन और चावल मिक्स है। और होपफुली आपको ये पहला एपिसोड स्पीति का अच्छा लगा होगा, एपिसोड अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगा हो तो एक कमेंट एक लाइक, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपसे मिलता हूँ मैं नेक्स्ट एपिसोड में कुछ ऐसी ही एक्साइटिंग जर्नी के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट एंड टेक केयर।